हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम कोई वीडियो एडिट करते हैं तो उस वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ साउंड जरूर लगाएंगे। जैसे कि कोई साउंड हो गया, कोई टून हो गई, कोई म्यूजिक हो गया, कुछ ना कुछ हम उस वीडियो में जरूर लगाएंगे, जिससे कि जो हमारी वीडियो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि जैसे हमारी वीडियो एडिट हो जाती है, उसके बाद जैसे ही हम उस वीडियो को कहीं पर अपलोड करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, कहीं पर भी, तो उस वीडियो पर आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। तो भाई ऐसा क्यों होता है? हम उसके बाद कुछ कर भी नहीं सकते। हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अपलोड होने के बाद कॉपीराइट क्लेम आया है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी वीडियो अपलोड होने के बाद आपको कॉपीराइट क्लेम मिल रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाना है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अपलोड करने के बाद अगर आपकी भी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ रहा है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी वीडियो को अपलोड कर रखा है उस वीडियो को वहां से आपको बिल्कुल डिलीट कर देना है। वो वीडियो आपको उस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल हटा देनी है। एंड इतना करने के बाद आपको जाना है अपने एडिटिंग वाले ऐप पर, जिस भी ऐप से आप अपनी वीडियोस को एडिट करते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद आपको वही वीडियो जो आपने वहां पर अपलोड कर रखी थी, वही वीडियो आपको वहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड इतना करने के बाद अब आपको अपनी जो भी वीडियो है उसमें जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है उसे वहां पर आपको म्यूट कर देना है। बिल्कुल आपको वो साउंड वहां पर म्यूट कर देना है। इतना अगर आप कर देंगे फिर भी आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं तो अपनी वीडियोज में साउंड का इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा, तो फिर आपको क्या करना है कि जो भी साउंड आपकी वीडियो में पहले से लगा हुआ है उसको वहां पर आपको हटा देना है, एंड उसकी जगह आपको कोई अदर सॉन्ग वहां पर आपको लगा देना है। मतलब कि कोई भी और ट्यून, कोई भी और साउंड, कोई भी और सॉन्ग आपको वहां पर रिप्लेस कर देना है। उसके बाद भी आपकी वीडियो में कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। दोनों आपके तरीके एकदम बेस्ट हैं। चाहे तो आप अपनी जो भी साउंड है उसको म्यूट कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह पर कोई और साउंड वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके बेस्ट हैं। उसके बाद आपकी वीडियो में कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो यहां पर सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की बस इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।